पाकिस्तानी की आवाज़ आला काम तक पहुँचाना, उनके मसले हल कराना, बल्कि जापानी सरमाकारी को पाकिस्तान लेके जाने में भी किरदार अदा करना। कोई भी टेक्निकल हुनर सीखें उसके बाद आप बाहर जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूँ हाफिज़ इरफान पठाना। जैसे कि आप हर आने वाले दिन में हमारे साथ एक नई शख्सियत को देखते हैं, और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का फ़ख्र, जिन्होंने ओवरसीज़ में रहते हुए पाकिस्तान का परचम जो है वो दुनिया में बुलंद किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए काम करते हैं, इरफान सदीकी साहब, जिनको जो है वो अभी सदारती अवार्ड से नवाजा गया। तो ये हमारे लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। इस मौके पर हम उनसे जानते हैं कि ये जो अवार्ड आपको मिला है, इस अवार्ड के हवाले से, और दूसरा आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से क्या कहेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मुझे मैं पिछले 22 साल से जापान में मुकीम हूँ, और मैंने 7 किताबें लिखी पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात पे, जिसमें 5 उर्दू में और 2 इंग्लिश में, और जंग ग्रुप से मैं वाबस्ता हूँ पिछले तकरीबन 2005 से। तो जंग में मेरे कॉलम्स आते हैं, अखबार जहाँ में मेरे कॉलम्स हैं, दी न्यूज़ में मैं लिखता हूँ बिज़नेस के ऊपर, और जियो के ऊपर जो स्पेशल रिपोर्ट्स होती हैं सारी वो मैं करता हूँ। तो ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का सफ़र है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ही की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ को जो है ना पाकिस्तान में आला काम तक पहुँचाया जाए, उनके मसाइल को पहुँचाया जाए, उठाया जाए, उनके मसाइल हल भी कराए जाएँ, ना सिर्फ उनकी आवाज़ उठाई जाए बल्कि उनको हल भी कराया जाए। तो ये मेरा तकरीबन 20-22 साल का सफ़र है, और इस ही हवाले से जो पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में बेहतरी में जो सहाफती किरदार पर मुझे हुकूमत जापान 2017 में नेशनल अवार्ड दे चुकी है, और इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तमगा खिदमत मुझे अता किया है, और उसमें यही रखा है कि पाकिस्तान का जो इमेज सहाफत के ज़रिए जापान में बेहतर बनाना, पाकिस्तान के मसाइल हल करना, और पाकिस्तानी की आवाज़ आला काम तक पहुँचाना, उनके मसले हल कराना, सिर्फ ना सिर्फ ये बल्कि जापानी सरमाकारी को पाकिस्तान लेके जाने में भी किरदार अदा करना। तो ये बेसिकली मेरा जो है ना अच्छे भाई, मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने ओवरसीज़ में एक बड़ा तवील अरसा गुजारा है, इस मौके पर आप जो हमारे पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाहते हैं दूसरे ममालिक में मुलाजमत के सिलसिला में या वैसे ही काम के सिलसिला में, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि दुनिया भर में जो लेबर है उसको कैसे लिया जा रहा है, जो जॉब्स के लिए प्रोफेशनल जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी तौर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें लीगल तौर पे जाएं, अपने अंदर कोई स्किल्स पैदा करें, कम से कम ड्राइविंग करना सीख लें, कम से कम वेल्डिंग करना सीख लें, कम से कम कोई कारपेंटर का काम सीख लें, कोई भी टेक्निकल हुनर सीखें, उसके बाद आप बाहर जाएँ। जॉब बहुत ज़्यादा हैं जापान के अंदर, बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं अभी, लेकिन उसके लिए आपको जापानी ज़बान सीखनी पड़ेगी। सऊदी अरब में मैंने देखा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन ज़्यादा लेबर क्लास जॉब हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जब भी जाएँ लीगली तौर पर जाएँ, और कानूनी तरीके से जाएँ, और उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करें कि कौन सा मुल्क बेहतर है, आप किस मुल्क के लिए अहल हैं, और आपके लिए कौन सा मुल्क सूट करता है, तो उस तरह से बाहर जाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल, हम जब भी अगर बाहर जाना चाहें तो हमें जो है वो कानूनी वे को अपनाना चाहिए, ताकि हमें बाद में किसी मुश्किल जगह का जो है वो सामना न करना पड़े। तो देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।